याद है इनकी सरकार? ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं इस वक्त गोविंदपुरा की लोकप्रिय नेत्री कृष्णा गौर जी के साथ हूँ। कृष्णा गौर जी का एक भारी समर्थन के साथ स्वागत हुआ है। कृष्णा गौर जी का यहाँ पे तुलादान होने वाला है। कृष्णा गौर जी की जीत इन समर्थकों की हौसला अफजाई से लगता है कि पक्की है। और कृष्णा गौर जी से हम बात करेंगे कि उनको क्या लगता है, वो क्षेत्र में काफी दिनों से घूम रही है, अब प्रचार के कुछ ही वक्त बचा है। पहले दिन से उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली विधानसभा होगी। कृष्णा जी से एक सवाल और है। कृष्णा जी जीत जाती हैं तो कृष्णा जी वे पहली महिला कहलाएंगी, भोपाल क्षेत्र से पहली महिला विधायक कहलाएंगी, उस पर क्या कहना आपका? मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे ये दिया है कि भोपाल से पहली महिला विधायक विधानसभा में पहुँचेगी। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जो विश्वास क्षेत्र की जनता मुझ पर करेगी उस विश्वास पर खरा उतरना मुझे भविष्य में होगा। निशा जी आपको क्या लगता है, क्या समर्थन मिल रहा है और आपका क्या एक ग्राफ बनेगा जब आप जीत की ओर अग्रसर हैं? तो प्रारंभ से ही गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए मेरे मन में एक विशेष लगाव था और वो इसलिए था क्योंकि मैंने महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। मैंने हमेशा महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किए, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, और इसलिए महिलाओं के साथ एक अलग प्रकार की आत्मीयता मेरी है। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएँ मुझसे जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि इस चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बहुत अधिक होगा। कृष्णा जी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, अभी के पिछला काफ़ी समय का हम ग्राफ देखें तो महिला अत्याचार काफ़ी ग्राफ बड़ा है, लेकिन आप एक महिला हैं, आप पहली महिला विधायक कहलाएंगी जीतने के बाद, महिलाओं के लिए आप स्पेशली क्या करेंगे? मेरे लिए महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाला विषय रहेगा और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। महिलाएं रात में 9 या 10 बजे भी अपने घर सुरक्षित रूप से पहुँच सके, हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें, और इस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने काम भी किया है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा का प्रावधान हमारी ही सरकार लेकर आई थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया। एक बहुत बड़ी सुरक्षा महिलाओं को इस कानून के माध्यम से मिलने जा रही है। महिलाओं को सम्मान हर क्षेत्र में मिले, इस दृष्टि से मेरा फोकस रहेगा। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों, सामाजिक रूप से सशक्त हों, समाज में उन्हें सम्मानजनक दर्जा मिले, इस दिशा में मेरा प्रयास होगा और निश्चित रूप से एक महिला होने का गौरव हर महिला अनुभव कर सके, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। कृष्णा जी एक चीज और, विधायक चूंकि आप गोविंदपुरा क्षेत्र आपका है तो गोविंदपुरा के लिए क्या सौगात है आपकी ओर से? मैंने हमेशा गोविंदपुरा क्षेत्र की जनता की है, इस क्षेत्र के विकास का स्वप्न देखा और जब महापौर रही उस स्वप्न को साकार भी किया। मैं चाहती थी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं इस क्षेत्र के जनता को वो मिलनी चाहिए। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरे भारत से आए हुए लोग बसे हुए हैं, किसी एक जाति का एक जाति या वर्ग के लोग यहाँ निवास नहीं करते बल्कि विभिन्न विभिन्न जाति वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं। मेरा पूरा प्रयास इन सबको एक करके इस गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का होगा और निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में गोविंदपुरा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बने जिस पर गोविंदपुरा के रहवासी नाच कर सके। कृष्णा जी सब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चीज और जानना चाहूंगी, क्या नोटबंदी और जीएसटी का असर पड़ा है इस चुनाव में, आप लोगों को झेलना पड़ा?
मुझे लगता है कि अभी तक मैं जितने दिन से जनसंपर्क कर रही हूँ ऐसा एक भी विषय मेरे समक्ष नहीं आया, बल्कि लोगों ने समर्थन दिया, अपार समर्थन दिया, भरोसा जताया, मुझ में भरोसा है, मेरी मुख्यमंत्री में भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी में भरोसा है, और इसलिए मेरे जनसंपर्क के दौरान मुझे कहीं कोई इस प्रकार की नाराजगी देखने को नहीं मिली। ये है आपकी लोकप्रिय नेता कृष्णा गौर, और उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे भारी समर्थन इनको प्राप्त हो रहा है कि वे चुनाव जीतेंगी और भोपाल की पहली महिला विधायक का खिताब भी साथ साथ जीत जाएंगी। दखल न्यूज़ की ओर से आपको एक संदेश की वोट देने जरूर जाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआकर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।